हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब हर से। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने अपने घरों में। सो फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन वो आपको मेरे हिसाब से तो शायद यूज़फुल रहेगा। मैं आज आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी एक मसाले की। एंड ये जो है ये केरला स्टाइल गरम मसाले की रेसिपी है। और ऑलरेडी मैंने दूसरा नॉर्मल अपना गरम मसाला जो है वो भी मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप, मैं इसमें इसी वीडियो में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो ये मसाले के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि ये जो है ये साउथ इंडियन टाइप का गरम मसाला है। इसके इंग्रेडिएंट बहुत कम है लेकिन फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब खुशबूदार है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा भी आप डालोगे तो सब्जी में, मटन में, चिकन में, जो भी आप बनाते हो नॉन वेज, उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर ये देगा। इवन आप वेजिटेरियन हैं तो चाहे आप ड्राई सब्जियां बनाते हैं, जैसे आपने बनाया भिंडी आलू या आपने बनाए बैंगन, जिसमें भी आप गरम मसाला डालते हो उसमें आप ये गरम मसाला बहुत कम सा भी डालोगे ना तो भी बहुत फ्लेवरफुल होगा। और आप इसी मसाले को आप रसेदार सब्जियों में यानी तरीदार सब्जियों में भी आप यूज़ कर सकते हो, उतना ही बढ़िया टेस्ट देगा ये आप लोगों को। लेकिन मैं इसे बताना चाहती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत कम हैं, बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के संग हमने इसे बनाया है, तैयार किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आए तो ये बहुत ही मेरे लिए एक अच्छी बात होगी। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप ना भूलें मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के संग जितना हो सके इस चैनल को आप शेयर करिएगा। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन इस बार मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं वीकली एटलीस्ट वन वीडियो आप लोगों के लिए डालूं, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज होने की वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी, कुछ और भी काम थे घर के जिस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। सो जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो फिर नहीं हो पाता है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी जैसी जो मदर्स हैं या जो मेरी जैसी गृहणियाँ हैं वो समझेंगी इस बात को, और ज़रूर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और भी मेरे जो वीडियो हैं वो भी ज़रूर देखिए। अगर आपको वो पसंद आए तो ज़रूर उन वीडियोस के नीचे भी आप कमेंट करें, क्योंकि आपका जो भी कमेंट होता है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं एक एक कमेंट का मैं खुद जवाब देती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे किसी भी कमेंट सेक्शन को खोल के मैं खुद ही जवाब देती हूँ। सो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को, इस वीडियोस को और मेरे दूसरे ब्लॉग्स हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स हैं, रेसिपी के जो अभी मेरे वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखेंगे, और अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस मुझे ज़रूर देंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा ना बोर करते हुए डायरेक्ट वीडियो की तरफ लेके चलती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, अभी तक गैस ऑन नहीं करी है। इसमें मैंने सौंफ डाला है यानी फिनल सीड, फिर मैंने डाला है नटमेग इन द सेंस जायफल, फिर मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, फिर मैंने डाला है जायपत्री यानी मेज, फिर मैंने डाला है स्टार अनीस यानी फूल चक्र, फिर है सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, फिर मैंने डाला है ग्रीन कार्डमम मतलब हमारी इलायची, और फिर मैंने डाली है लौंग, लौंग मतलब क्लोव्स, फिर है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, फिर गैस ऑन कर दिया है। उसके बाद हल्का सा मैं इसे ड्राई रोस्ट करूँगी, और फिर मतलब एक से डेढ़ दो मिनट तक, और फिर उसके बाद मैं इसको मिक्सी में डाल के इसको पाउडर कर लूँगी। लेकिन मैंने इसको बहुत ही फाइन पाउडर नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आपको किस तरह का टेक्स्चर पसंद है। और इसको आप एयरटाइट कंटेनर में रखिए, आराम से एक महीने चल जाता है, इसका अरोमा भी ख़राब नहीं होता है। और आप इसको ड्राई सब्जियों में, सारी ड्राई सब्जियों में, इवन चिकन मटन में भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवी वाली सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, और अपने फीडबैक्स मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मैं आपके संग दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ,
और फ्रेंड ये केरला स्टाइल गरम मसाला ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के संग है और बहुत जल्दी बनने वाला है, तो प्लीज़ ट्राई इट एंड लेट मी नो योर फीडबैक्स।